नमस्कार दोस्तों, आज हम बिना डिटर्जेंट व साबुन के कपड़े धोकर देखते हैं। ये ट्रिक जब काम आती है जब हम कहीं बाहर होते हैं और ऐसी जगह पर होते हैं जहां में साबुन व डिटर्जेंट हमें उपलब्ध नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास टूथब्रश तो होता ही है, टूथपेस्ट, तो वो पेस्ट का उपयोग करके हम कपड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये कॉलर आपने देखा कि गंदा हो रहा था और इस पे हम पेस्ट लगा के इसको साफ करते हैं। इसको रगड़, जहां जहां ज्यादा गंदा है वहां पर हम पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगा के उसको अच्छे से रगड़ेंगे। और इस ये ट्रिक हमें बाहर, घर से बाहर रहते हैं या जहां नहीं जल्दी सी डिटर्जेंट साबुन मिलता है वहाँ पे अच्छे काम कर जाती है ये ट्रिक। अब देखिए, हम पूरी शर्ट साफ करके देखते हैं क्या ये साफ हो पाई। चलिए, थोड़ा कॉस्टली रहता है लेकिन हमारा काम तो उस वक्त चल ही जाता है कि हमें एक शर्ट या दो शर्ट साफ करनी होती है तो हम कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ कुछ हद तक कॉलर साफ होती जा रही है। ये देखिए, हो तो गई साफ टूथपेस्ट से। अब हम इसे पूरी शर्ट रगड़ लेते हैं ठीक से ताकि ये पूरी शर्ट साफ हो जाए। अब हम देखते हैं, देखें पूरी शर्ट साफ हो गई क्या। हाँ, कुछ हद तक हमारी पूरी शर्ट काफी अच्छी साफ हो गई है, यानी कि हम बिना डिटर्जेंट और साबुन के शर्ट साफ कर सकते हैं। देखिए, सारी साफ हो गई है। एक दूसरी ट्रिक लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। ये भी देखो, कॉलर गंदी है यहाँ से वहाँ से, और इसको भी हम साफ करके देखते हैं शैम्पू से। जहाँ पे ज़्यादा गंदी है हम शैम्पू वहाँ लगा के और फिर रगड़ते हैं, शर्ट रगड़ कर देखते हैं क्या ये भी साफ हो जाएगी क्या। चलिए, आपके सामने ही अब शैम्पू से हम जरा रगड़ के देखते हैं। ये ट्रिक भी हमें जब भी काम आती है जब हमें बाहर हमारे पास साबुन व डिटर्जेंट नहीं होता तो हम एक या दो शर्ट साफ करनी होती है या कोई और कपड़ा साफ करना होता है तो हम इस ट्रिक से साफ कर सकते हैं। शैम्पू में तो अच्छा झाग भी आया है और इस झाग से कपड़ा अच्छा साफ हो जाएगा। देखें, हो तो गई साफ और काफी अच्छी साफ हो गई है और कॉलर भी एकदम साफ हो गई है। एक दाग रह गया, हम इसे भी देखते हैं साफ करके, इसको भी। अभी एक दाग है और शर्ट तो साफ है, सिर्फ एक दाग रह गया है, इसको भी देखते हैं रगड़ के। ये देखिए, आपके सामने ही ये भी साफ हो गया, यानी कि शैम्पू से भी हम कपड़े साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। अब इसे हम साफ पानी से निकाल देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।